उस तरह का भ्रष्टाचार जो है अगर उसे आप जीरो करने लगेंगे है ना, तो वो आपको समाज में बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। लेकिन बड़ा अधिकारी कि राजा से बड़ा अधिकारी और कौन हो सकता है जो उनका हानियों में है ना, जो कि पूरी तरह से जिसको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जिसको कहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पर जब ये अंकुश लगेगा कि वो भ्रष्टाचारी ना हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, ये सिर्फ एक फील्ड है, इस तरह के उसमें ऐसे हर मैनेजमेंट फील्ड की कहानियां हैं, 547 हैं। उनका वर्गीकरण करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दाम्पत्य कलह प्रबंधन की भी कहानियां हैं, है ना, जो मेरी दूसरी किताब थी। कि भाई मैंने देखा पंजाब में भी, बंगाल में भी, महाराष्ट्र में, हर जगह हमारे यहाँ एक डाइवोर्स की एकदम परंपरा चली हुई है। था तो वो बाहरी मैनेजमेंट की तरफ से ही, जो उसका दुष्परिणाम था कि संबंध विच्छेद हो रहे हैं। तो इस पर जो है 22 कहानियां मुझे मिली, और उन 22 कहानियों को आप आज के परिप्रेक्ष्य में रख के देख सकते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और उसमें समाधान दिया हुआ है। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, हर फील्ड की कहानियां उसमें आपको मिल जाती हैं। अब मॉडर्न मैनेजमेंट के बरक्स है ना, उससे अगर आप तुलना करेंगे तो इन कहानियों में एक नए ढंग की अवधारणा आती है जो कि आज हम मिस कर रहे हैं, है ना। बाद में हमारे जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो लोग एथिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इस तरह करके उसमें एडेंडम लेकर के आए कि नहीं, हमारे बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए। लेकिन पहले से उनके दिमाग में वो बात नहीं थी, जब टेलर या फेयल या जो उनके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट हुए, उन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की। उस समय तो वो एर्गोनॉमिक्स बना रहे थे कि आपके हाथों की भी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल प्रोडक्शन को 10 गुना बढ़ाए। यानी उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। इंसान से उनको कोई विशेष लगाव नहीं था, है ना। तो वो उस अवधारणा को लेकर के थे कि हम कम से कम इनपुट करें, अधिक से अधिक आउटपुट करें। और जो बुद्ध की अवधारणा है वो ये मान के चल रही है कि आपका जो भी उसमें एक्शन है, जो भी आपका डिसीजन है, वो ऐसा होना चाहिए जो कि शुभ शुभ की परिणति दे। तो मुझे याद आया शुभ लाभ। हमारे यहाँ देखिए, आप पुराने बिजनेसमैन को जाएंगे, पुराने मारवाड़ियों के यहाँ भी, तो बाहर लिखा होगा शुभ लाभ। यानी हमें ऐसा लाभ नहीं चाहिए जो अशुभ हो। जो कस्टमर और सेलर है ना, कस्टमर और बिजनेस बीच के बीच जो रिलेशन होना चाहिए वो शुभ शुभ होना चाहिए। और इसकी कहानियाँ आपको जातक में मिल जाती हैं। शेरीवाणी जातक जैसे एक बहुत ही मशहूर कहानी है, हैं उस तरह से सैंधव जातक एक बड़ी मशहूर कहानी है। अब आपको जान के हैरानी होगी, मैं थोड़ा सा इतिहास अगर बताऊँ, कि अनाथ पिंडक नाम का जो व्यापारी था जिसने जेतवन दान दिया था भगवान बुद्ध को वहाँ अश्रावस्ती शहर के किनारे, कि वहाँ से आप अपना संघ का स्थापना करें, प्रचार प्रसार करें, तो उस अनाथ पिंडक की कहानी उसमें कई बार आती है। अब अनाथ पिंडक ऐसा व्यापारी था जो तीनों टाइम भगवान के दर्शन करने जाता था। अब एक कहानी उसमें है वैरी जातक। वैरी जातक की कहानी इस तरह से है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, कि अनाथ पिंडक जो है वो भगवान बुद्ध के पास पहुँचता है, कहता है, भंते मैं कल अपने ग्राम भोज गया था, वहाँ से आते हुए मुझे देर हो गई, लेकिन मैं रास्ते में रुका नहीं, मैंने बैलों पर लाठी से प्रहार करके उनको जल्दी से दौड़ाया और घर आके ही रुका। ठीक है, अब ये एक इन्फॉर्मेशन 4 लाइनों में, एक पैराग्राफ में दी हुई है। इसको खोलते हुए जो कथा जो लिखी गई, जिसको हम लोग अतीत वत्थु के नाम से जानते हैं,
उसमें भी वही कहानी है, सिर्फ उसमें क्या होगा, एक चरित्र आया है बोधिसत्व। मैं इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जातक अट्टकथा जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चरित्र आएगा बोधिसत्व, और ये बोधिसत्व ही वो बुद्धिस्ट मैनेजर है जो आपको समाधान देता है, ठीक है। उसमें बोधिसत्व भी यही समाधान दे रहा है एक कहानी के माध्यम से कि उसने भी वही किया था जो तुमने किया है ना, और कहानी समाप्त हो जाती है। अब जो जातक कथाएं पढ़ रहे होंगे उनके लगेगा कि एक तो कहानी रिपीट कर दी गई है, ऊपर भी वही नीचे भी वही, अंतिम लाइन में दे दिया कि बोधिसत्व और कोई नहीं मैं था। अब ये बोधिसत्व और कोई नहीं मैं था, मैं माने भगवान बुद्ध था, इस लाइन को लोगों ने इस रूप में ले लिया कि भगवान बुद्ध का एक जन्म उस रूप में हुआ था बोधिसत्व के रूप में, है ना, जो कि वहां पर एक उस कहानी में एक सेठ के रूप में है। तो इस तरह से लोगों ने इसको गलत समझ करके 547 पूर्व जन्म मान लिए, है ना। उससे एक बहुत भयंकर ये भूल हो गई कि बोधिसत्व की पूजा होने लगी, मूर्तियां बनने लगी, और जो कि ये धर्म फैल रहा था जगह जगह महायान के रूप में, है ना, तो वहाँ बहुत कुछ दूसरे देशों में इस रूप में चला गया। जबकि ये कहानी आपके मैनेजमेंट की कहानी है जिसका नाम मैंने वैरी जातक बताया, उसका अर्थ ये था कि अब शास्ता उसको समझा रहे हैं अनाथ पिंडक को कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। क्यों गलत क्यों नहीं किया, कि तुमने तो बैलों पर प्रहार किया, है ना, जबकि अहिंसा का उपदेश भगवान बुद्ध दे रहे हैं, यानी तुमने उस अहिंसा का जो उपदेश है उसका पालन नहीं किया, इसको बोलते हैं डेविएशन, तुमने अक्षरशः पालन नहीं किया। परंतु ये जो डेविएशन है ना, इसको अगर हम कहना चाहें तो इसमें कितना परसेंट डेविएशन हुआ, तुमने कोई जीव हत्या तो की नहीं, तुमने थोड़ा करुणा इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि देर हो रही थी, है ना, और ये बैल हो सकता है कि भूखे प्यासे हैं और तेज नहीं चल पा रहे हैं, तुमने उसको पैने से उसको मार करके जल्दी हाँक दिया, तो थोड़ा सा तुमने करुणा नहीं दिखाई, लेकिन इतना टॉलरेबल है, इतना डेविएशन टॉलरेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो ये जो डेविएशन है ये हमारे आज के मैनेजमेंट में भी हम पढ़ाते हैं कि कोई भी आप रूल बनाते हैं तो वो अक्षरशः पालन नहीं होता है, डेविएशन उसमें होता ही होता है, उस डेविएशन को हम लोग नापते हैं, और आपके पास जब डेटा होता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। एम आई राइट? अगर कुछ लोग मैनेजमेंट क्या हैं तो वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके उस सिस्टम को सेट करते हैं। एनीवे, मैं इस बात पर आपको ले आना चाहता हूँ कि ये कहानी देखिए, क्या ये प्रबंध शास्त्र की कहानी नहीं है जो ये बता रहे हैं कि ये डेविएशन जो है ये टॉलरेबल है। इसी तरह से भ्रष्टाचार का जो मैंने उदाहरण दिया, वैसी कहानियाँ आपको बहुत सारी मिलेंगी जिसमें ये डेविएशन बताए गए हैं। मान लीजिए भगवान बुद्ध कहते हैं पंचशील में कि आपको झूठ नहीं बोलना है, पिशुन जो निंदा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। अब बताइए कि जो उनके उपासक व्यापार कर रहे हैं है? या वकील के धंधे में हैं, वो कितना झूठ बोलते होंगे, है ना। तो अब कोई कहे कि अक्षरशः पालन, तो अक्षरशः पालन तो हो नहीं रहा, डेविएशन तो हो रहा है। अब उस डेविएशन को आपने मैनेज करना है, उसकी कहानी जातक अट्टकथा है, समझ रहे हैं? वो उसमें धर्म की से ज्यादा बात है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या हो कि नहीं आया, कैसे आप क्लासरूम में गया है, टीचर पूछ रहा है कि तुम लोग होमवर्क करके लाए हो, बच्चा कहता है हाँ सर होमवर्क किया है, अच्छा दिखाओ जरा। अब बच्चा क्या कहता है कि झोला खोज रहा है,
है ना, हो गया सर वो तो मैं भूल आया, कॉपी कॉपी घर में रह गई, होता है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया, स्थिति को मैनेज कर लिया, बराबर ना। हम लोग यही कहते हैं ना कि ये मैनेजमेंट की बात हो गई। तो मैनेजमेंट करना तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी जानता है ना। क्या नहीं जानता है वो जातक कथा में बताया गया है, वो ये है कि बुद्धकीय प्रबंधन किस तरह से मैनेज करना चाहिए, है ना। इस तरह से मैनेज कीजिए कि जिसमें आपके शुभ शुभ की परिणति हो। मान लीजिए इसी बच्चे का उदाहरण ले, अब ये घर जाकर के इसने होमवर्क कर लिया, अगले दिन दिखा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। तो डेविएशन तो हुआ लेकिन मिनिमल डेविएशन हुआ और इसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, है ना। अब इस डेविएशन की मान लीजिए मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अगर वो बार बार वही कर रहा है, गलती वही कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है, तब टीचर को क्या करना चाहिए। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करेगा तब तो कुछ नहीं कहेगा कि ठीक है भाई जो तेरी इच्छा है तू कर, है ना। लेकिन अगर बुद्धिस्ट मैनेजर होगा तो वो थोड़ा सा उसको डांटेगा, जरूरत पड़ेगी तो एक आध थप्पड़ भी लगाएगा, है ना। अब वहां ये अर्थ नहीं है कि ये क्रूर है ना, ये हिंसा कर रहा है, वहां आचार्य है ना, जो टीचर है उसके भले के लिए ऐसा कर रहा है, उसके सुधार के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये बुद्धिस्ट मैनेजमेंट हुआ, है ना। और इसकी तिलमुट्ठी जातक एक बहुत बड़ी जातक ज्वलंत उदाहरण है कि जहां आवश्यक हो वहां पिटाई भी करनी चाहिए, है ना। तो सिर्फ रूल भर बना देने से आपका मैनेज नहीं होता है। आप सुप्रीम कोर्ट से चाहे जो भी पास करवा लें लेकिन उसका अक्षरशः पालन तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी भावना उसमें जुड़ी नहीं है, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि जो 547 कहानियां हमें मिली हैं वो इस ढंग का एक मॉडल प्रस्तुत कर रही हैं जिसमें बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एक शुभ शुभ की परिणति देता है। अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, अब इसका तो कौशल आपको अर्जित करना पड़ेगा ना। बात कैसे करनी है ना, किस ढंग से, किस जगह पर, किस वक्त, इस तरह से कहा जाए कि आप माने आपका संप्रेषण कंप्लीट हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट वाले भी खूब देते हैं, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स वगैरह वगैरह आप देखे होंगे, बहुत जगह सिखाया जा रहा है। क्या चीज़ नहीं सिखाई जा रही है कि उद्देश्य क्या है ना। और बुद्ध की प्रबंधन का जो उद्देश्य है अगर वो उसमें जुड़ जाए, अगर उनके साथ उनको ये उदाहरण दे दिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे करिकुलम में, हमारी जो शिक्षा पद्धति है इसमें बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। अभी जो हम अपने विद्यार्थियों को नहीं दे पा रहे हैं, तो खैर कम्युनिकेशन स्किल वाली जो कहानियाँ हैं बोधिसत्व, तो इसमें बार बार आते हैं और वो दिखाते हैं कि देखिए कैसा स्किल होना चाहिए कम्युनिकेशन का। आज हम देख रहे हैं, अपनी संसद की ही बात देख लें, सम्यक वाचा का पूरी तरह अभाव है ना, देख रहे हैं ना। पूरे अगर भारतीय परिदृश्य में देख लें तो हमने शायद वो कुछ सीखा ही नहीं सम्यक वाचा का। तो एक छोटा सा सिद्धांत अगर हम कर लें अपने जीवन में तो बहुत चीज़ें सुधरने लग जाती हैं। सिविक सेंस की बात हमारे यहाँ अभाव है। ये सारी चीज़ें हमें जातक अठकथा से प्राप्त हो रही हैं, बोधिसत्व सिखा रहे हैं। और प्रबंधन इसलिए उसमें आ रहा है क्योंकि आपको इसमें एक बैलेंसिंग की बात कही गई है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं किस टोन में बोलूँ, है ना। धीरे बोलूँ तो हो सकता है सुनाई नहीं दे, बहुत ज़ोर से बोलूँ तो चिल्लाहट हो जाएगी, तो एक ऑप्टिमाइजेशन करने वाली बात है ना। इसको भगवान बुद्ध ने बड़े सरल तरीके से समझाया वीणा के उदाहरण से, कि वीणा की तार को
इतना मत कसिए कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि वो कोई सुर ही न बजे उसमें। ये आपके हर जगह मैंने देखा एप्लीकेबल है, और इसकी कहानियां हैं कि आपको सम्यक पथ का पालन करना है, सम्यक पथ पर चलना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। मैंने मुझे वो याद आती है लाइन संस्कृत की, अति सर्वत्र वर्जयेत, लेकिन अति दुमुही होती है, ये उस सूक्त में नहीं है। आप जब जातक अट्टकथाओं में देखेंगे तो आपको दोनों अतियाँ मिलेंगी, 100% वाली भी और 0% वाली भी, है ना। किसी को मतलब ताड़ना नहीं देनी है, 0% हो गया। अगर उसको मार मार के ख़त्म कर देना है, तो जैसा कि बीच में कोई केसेस हुए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रूल बनाना पड़ा कि आप बच्चों को छेड़ेंगे नहीं, है ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट मना कर दिया गया, तो वो एक अति थी। अति का हमेशा निर्वाह क्या, उसको नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, जिसको कहते हैं कि एक्सट्रीम को अवॉइड कीजिए, ऑप्टिमाइज़ कीजिए। और ऑप्टिमाइज़ करने का सबसे सरल तरीका क्या है, ये जातक कथाओं में दिया हुआ है, कोई एक दिन की बात नहीं कि आपने पढ़ा और बस आप सम्यक के जानकार हो गए, है ना। ऑप्टिमाइज़ एक प्रोसेस है, उसे आपको सीखना पड़ता है। आप जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, अनुभव प्राप्त करना पड़ता है धीरे धीरे। मान लीजिए आज आपने कि मैं एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा, अपने किसी बच्चे को डांटूंगा नहीं, है ना, और ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं करना है, बहुत लाड़ प्यार भी, है ना, नुकसान कर सकता है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उससे कोई प्यार ही नहीं है, कोई मोह ही नहीं है। तो ये दोनों अतियाँ जो हैं ये खतरनाक हैं। एक मध्यम पथ का करते हुए, जिसको कई लोगों ने कहा मध्यम प्रतिपदा, या बाहर वाले स्कॉलर्स कहते हैं मिडिल पाथ, शब्द है सम्मा, सम्मा यानी सम्यक, पाली का शब्द है सम्मा। तो सम्मा जो है उसका पैरेलल अगर कोई वर्ड आप मॉडर्न मैनेजमेंट में पाते हैं, वो है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करना है, हर प्रोसेस में आप ऑप्टिमाइज कीजिए, और एक्सट्रीम को तो पहले ही अवॉइड कर दीजिए, है ना। अब राजनीति का क्षेत्र हो, आपका सामाजिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर इसका निर्वाह हो जाए तो बहुत सारी हमारी प्रबंधकीय समस्याएं जो हैं वो अपने आप निपट जाएंगी। आज आप देखिएगा सारे एक्सट्रीम, माफ़ी मांगो, है ना, तब बात आगे बढ़ेगी, है ना, इस तरह की। अब इस पर कहानियाँ हैं, इतनी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं कि आप पाएंगे कि भाई देखिए ये भगवान बुद्ध तब की बात कर रहे हैं, तब उस ज़माने में। अति को आप पहले हटा दीजिए, है ना, मानवीय संवेदनाओं के हिसाब से आप चीज़ों को देखिए तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। नटशेल में अगर मैं मान लीजिए इस सब का कंक्लूड करूं, ये सब का निचोड़ आपके सामने रखूं, तो जो प्रश्न आपको बार बार उद्वेलित करेगा वो ये है कि भई हम कैसे करें, कैसे पता करें ऑप्टिमम क्या है, है ना। ऐसा तो नहीं कि जो हमारे कार्य जो लीडरशिप है उसे पता नहीं है कि एक्सट्रीम क्या है, पता है, लेकिन होता क्या है, इनर्शिया पकड़ लेता है। जब आप करते जाते हैं तो एक इनर्शिया आ जाता है, और वो गति जो है वो आपको आगे एक्सट्रीम पर ले जाती है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है फीडबैक लीजिए। ये बड़ा ही साइंटिफिक तरीका है। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे केमिस्ट्री के, तो मुझे याद है सर, है ना, हो सारे विश्वविद्यालयों में जब केमिस्ट्री वाले करते हैं तो टाइट्रेशन का एक होता है, उसमें ब्यूरेट और पिपेट में बेस और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, उस थोड़ा सा फॉर्मल्डिहाइड डाल देते हैं या मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं कि कलर चेंज जहां होगा वह न्यूट्रल पॉइंट का पता लग जाएगा, है ना। अब उसमें क्या है कि हम नोट करते हैं, इतना 1 मिलीलीटर डाला था, रंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसको नोट करते हैं, फिर 1 मिलीलीटर डाला या 2 ड्रॉप डाले और देखा कितना क्या रिजल्ट हुआ। तो कहने का मतलब कि ऑब्जर्वेशंस
और उसका रिजल्ट, हम ये फीडबैक लेते रहते हैं। तो हमारे जीवन का या हमारे किसी भी सिस्टम का ये एक साइंटिफिक मेथड है और भगवान बुद्ध उसी की बात करते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं यही पसीखो, यही पसीखो, आओ देखो, है ना, मैं तुमको मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुमको स्वयं है, ये उन्हीं की लाइन है ना, मैं तुमको पकड़ के चला नहीं सकता, मैं बता देता हूँ ये रास्ता है। तो कहने का अर्थ वही है कि भाई आपको अपने ऑब्जर्वेशन को साउंड रखना है, आपको फीडबैक लेते रहना है ना, मैं कितने घंटे मोबाइल यूज़ करूँ, है ना, आप विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उन सब के ये आपको फीडबैक लेना है, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़ लूँ, कितना संस्कृत पढ़ लूँ, है ना, कितने घंटे खेल लूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फीडबैक का विषय हैं, आप अपने शरीर पर लागू करके देखिएगा, आपको एक सम्यक पता लग जाएगा, है ना, जब आप फीडबैक लेना शुरू करेंगे। और फीडबैक की ये कहानी मैं आपको एक सुनाता हूँ, तब आपको पता लगेगा कि सचमुच में जातक कथाओं का मर्म क्या है, कितनी साइंटिफिक कहानियाँ हैं, है ना। मैं दो घूंट ले लेता हूँ पानी, उसके बाद आपको ये कहानी सुना करके फिर इसका मैं आ गई कि फीडबैक लेना चाहिए। अब देखिए, और बुद्ध घोष की जो शैली होगी वो उसी तरह की होगी पुराने ज़माने की, है ना। जैसे अब आप बैताल वाली कहानी आपने पढ़े होंगे, तो बैताल कथाएं जो होती हैं उनकी एक शैली रखी जाती है ना, कि राजा विक्रमादित्य ने पेड़ से सब उठाया, अपने कंधे पर रखा और चल पड़ा, है ना, राजा को थकान महसूस ना हो इसलिए बैताल ने कहना शुरू किया कि राजन तुम्हें थकान ना मिले, इसलिए मैं तुमसे एक कहानी सुनाता हूँ, अंत में तुमसे तीन सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही सही जवाब दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े। तो कहने का मतलब अब इसको ले करके कोई ये सोच शुरू कर दे कि विक्रमादित्य और वो बेताल कौन थे, उसकी खोज तो निरर्थक, वो एक शैली है ना। तो उस समय बुद्धघोष के टाइम में भी एक प्रॉपर शैली थी लिखने की, और बुद्धघोष उसी का इस्तेमाल करते हैं बार बार, इसलिए आप बार बार पाएंगे कि राजा ब्रह्मदत्त आएगा और बोधिसत्व आएगा, वाराणसी स्टेट का नाम आएगा, राजे वाराणसी, राजा ब्रह्मदत्त, और उसके बाद कहानी, अब बोधिसत्व किस रूप में है वो आ जाएगा। तो ये शैली है ना। अब इस बात की समझ तब आई जब पूरी रिसर्च कंप्लीट हो गई भी, तो शैली है इसमें, कोई ये जाकर के बनारस के आर्काइव्स खोजना कर शुरू कर दे कि ब्रह्मदत्त कब हुआ था, कितने ब्रह्मदत्त हुए थे, उसकी कितनी आयु थी, तो ये व्यर्थ है ना, उस शोध का कोई अर्थ नहीं। तो खैर, मैं उस बात पर आता कि राजा को जो है ये स्वप्न आया कि राजन तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत ही अनर्थ कर रहे हो, अत्याचार बढ़ रहा है तुम्हारे प्रजा में, और अगर यही चलता रहा तो तुम राजा नहीं रहोगे, है ना। उनका जो कुलगुरु है या वृक्ष देवता है या जिस रूप में आप चाहें या बोधिसत्व है, वो उसको ऐसा कह रहा है। अब राजा कहता है कि महाराज मैं तो बहुत न्यायपूर्वक शासन करता हूँ, हमने तो कभी अत्याचार कुछ किया ही नहीं है, हमारे अमात्य तो सब कह रहे हैं कि सब बढ़िया है हर जगह, है ना। लेकिन तो पेड़ कहता है कि नहीं, तुम खुद जा करके चेक करो। अब देखिए उस कहानी में कितना बड़ा इनपुट दे दिया गया है, भाई जरूरी नहीं तुम्हारे सारे मिनिस्टर ठीक बोल रहे हो, एक बार खुद भी जाके फीडबैक लीजिए। तो हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि भेष बदल के जाते थे, है ना, तो राजा जो है फिर वो भेष बदल के और अपने जो विश्वस्त अमात्य है उसको साथ लेकर के निकलता है। अब निकलता है राजधानी से बाहर ही जाता है तो एक कांटा किसी को चुभ गया है, बूढ़े आदमी को, वो कांटा तो बाद में निकालेगा, पहले ब्रह्मदत्त को गालियां दे रहा है। तो वो जो उसका साथ में मंत्री है वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि अभी तो निकले ही हैं, तो पहला एग्जाम्पल इसने जो है पूरा हमारी खराब कर दी, पूरी प्रेस्टीज डाउन कर दी। तो उसने कहा भाई ये क्या तरीका है, बूढ़े तुम हो गए हो, तुमको दिखता नहीं आंखों से, कांटा तुमको चुभ गया, इसमें ब्रह्मदत्त ने क्या किया है। तो वो कहता है कि ब्रह्मदत्त को गाली ना दूँ तो किसके दूँ, हम लोग अपने इनके राजपुरुषों से, इनके अधिकारियों से इतना त्रस्त हैं कि दिन में घर को बाड़ लगा के चले जाते हैं, कांटों वाली जो बाड़ होती है, जंगल में छुप जाते, रात को जब आते हैं तब हम लोग मतलब खाना पीना करते हैं, इनके लोग इतना परेशान करते हैं, तो क्या गाली किसको दूँ,
है ना। तो ब्रह्मदत्त की आंखें खुल गई, भाई तो वाकई में बहुत अत्याचार हो रहा है और ठीक राजधानी के बाहर ही ऐसा हो रहा है, और हमको तो पता ही नहीं इस चीज़ का कि हमारे अधिकारी इतना परेशान करते हैं। तो उसने कहा कि चलो हमको पता लग गया, चेंज करना पड़ेगा। तो कहता नहीं सर, ये तो एक अपवाद स्वरूप एग्जाम्पल, आप इसी को लेकर के सोच रहे हैं कि भाई ये यही सारा राज्य में थोड़ी यही हो रहा है, आगे चलते हैं। अब वो थोड़ा सा वो और आगे बढ़ते हैं, किसी गांव की तरफ पहुंचते हैं, तो वहाँ जो है एक बुढ़िया पेड़ पर चढ़ी है और वहाँ से कुछ पत्ते वगैरह तोड़ने के क्रम में वो गिर गई है, और गिरते ही फिर वो गालियाँ ब्रह्मदत्त को शुरू कर दें। तब जो है वो घबराता है और कहता है भाई ये क्या माता, तुम तो मतलब ब्रह्मदत्त को बीच में कहाँ से आ गया, तुमको किसने कहा था पेड़ पे चढ़ने के लिए जब तुम ठीक से मतलब चल भी नहीं। तो उसने कहा कि भाई हम क्या करें, ब्रह्मदत्त को ही तो गालियाँ दें, बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है, लड़कियाँ जवान हैं उनको ब्याहने के लिए कोई ढंग का वर नहीं मिल रहा है ना, और उनको हम ले करके जंगल में चले जाते हैं, अब उनका भरण पोषण कैसे करें। पेड़ से पत्ते तोड़ रहे थे कि भाई कुछ बना के खिलाएंगे, तो भयंकर स्थिति है। राजा को समझ में आ जाती कि अरे ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हमारे राज्य में, है ना, और अधिकारी तंग करते हैं स्त्रियों को, लड़कियों को। तो फिर वो कहता है भी चलो यहाँ से, लेकिन वो मंत्री जो है उसको कहता है कि नहीं 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 ये मतलब फालतू बकवास कर रही है, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा हम लोग कभी, हमारी कोई सूचना नहीं है, देर इज़ नो FIR, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना, ये तो कोई है ही नहीं, कोई केस नहीं ऐसा। खैर वो और आगे चलते हैं, तो एक किसान है, फीडबैक तो लेना ही है। अब किसान जो है वो बैल को मारे जा रहा है लाठी से, और बैल जो है वो गलत जगह कहीं लग गया है, बैल गिर गया। अभी गिर गया तो जो है ये वो गालियाँ ब्रह्मदत्त को शुरू कर दिया। तो उसका जो मंत्री है वो कहा भाई तुम बैल को तुम मार रहे हो, तुमने ठीक मैंने गलत मार दिया है इसको, तुमको तो ब्रह्मदत्त ने नहीं कहा था मारने के लिए, तुम गाली ब्रह्मदत्त को दे रहे हो। तो उसने कहा और क्या करें, ब्रह्मदत्त को ही तो गाली दूंगा ना, जो मैं घर से खाना लेकर के आया था वो तो उसके अधिकारी पकड़ लेके लेके लेगा जबरदस्ती मेरा खाना, और मैं भूखा था, घर जब तक खबर भेजी है अभी तक आई नहीं है खाना लेकर के, भूख में मैंने इसको लगा दिया बैल को इधर उधर, तो क्या करूं फिर बताओ। तो राजा ने कहा भाई तो सच्ची बात है ना, इतना परेशान है हमारी प्रजा तो, लेकिन कहे चलो वापस राजधानी चलो। कहने अब तो सूर्यास्त होने वाला है, अब रुक जाइए सुबह चलेंगे। खैर किसी तरह से वो कहीं किसी घर में, अब भेष तो बदला हुआ है, रुक गए हैं और सुबह उठ करके निकले हैं, तो वो जो है जो जिसके यहाँ ठहरे थे वो गाय दूह रहा है। अब गाय दूह रहा है और उसमें जो है उसने लात चला दी, सारी बाल्टी दूध की गिर गई है ना, और वो लगा गाली देने किसको, ब्रह्मदत्त को। अजीब हालत है, अरे कहा भी सुबह सुबह तुम ब्रह्मदत्त को गालियां क्यों दे रहे हो, है ना, तुम्हारी गाय है, वो जो गाय दूध देती है वही तो लात भी मार देती है कई बार, तो उसने लात मार दी है। तो उसका ऐसा नहीं मार, इसको तो हम लोग दूहते ही नहीं थे, इस गाय को हम लोग दूहते नहीं थे, तो बछड़े के लिए रखी हुई थी, है ना। अब जो दूध हमने दूहा था वो तो राज अधिकारी ले गए, वो राजपुरुष आए थे उठा के ले गए, अब हमको जहाँ देना है कस्टमर को तो हम क्या करें इसके लिए, दूह रहे थे लाचारी में। अब इसने मारा तो किसको गालियाँ दे। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा है अब जल्दी बहुत हो गया, चलो यहाँ से, है ना। तो खैर वो लोग राजपथ पर आ गए, राजपथ पर आ गए तो एक जो गाय है वो रो रही है, रंभा रही है और जा रही है ना, और लड़के उसके पीछे पीछे कुछ जा रहे हैं गांव वाले, ब्रह्मदत्त को गालियाँ निकालते जा रहे हैं। तो ये पूछता कि भाई माने हुआ क्या है, तुम लोग गालियां क्यों ब्रह्मदत्त किए, ब्रह्मदत्त कहाँ पर है, क्यों गालियां दे रहे हो उसको, क्या किया उसने। तो वो बताते हैं कि ऐसा है कि ये गाय रो रही है बेचारी अपने बछड़े के लिए, इसके बछड़े को मार करके उसकी जो स्किन होता है वो बनाएंगे म्यान, उसका
इसलिए उस चमड़े को ले जाने के लिए उस बच्चे को मार दिया है। अब एक गाय बिचारी अपने बछड़े के लिए रो रही है, तो हम किसको गालियां दें? हम तो ब्रह्मदत्त को ही गालियां देंगे ना, अभी उसके राजाधिकारी ऐसा कर रहे हैं। अब वो राजा तो वाकई में बहुत विचलित है कि भाई ये तो वाकई में बहुत अनर्थ हो रहा है हमारे देश में, चलो यहाँ से जल्दी, है ना, अब सब ठीक करना पड़ेगा। वो जो स्वप्न आया है ठीक ही आया है ना, कि भाई राज चला जाएगा इस तरह से। तो वो जो है आपका आगे बढ़ता है थोड़ा और आगे, तो एक मेढक उसको कौआ जो है नोच नोच के खा रहा है, और गालियां मेढक जो है वो ब्रह्मदत्त को दे रहा है, है ना। देखिए कहानी अब ये सचमुच में आवाज मत सुनने लग जाएगा कि मेढक कैसे दे सकता है ब्रह्मदत्त को गालियां। कहानी में आया कि भाई वो गालियां दे रहा है, तब वो पूछता है उससे मंत्री कि भाई तुम मेढक हो, कौआ तुमको खा रहा है, तुम उसके खाद्य हो, अब इसमें क्या समस्या है, ब्रह्मदत्त बीच में कहाँ से आ जाता है? तो मेढक कहता है कि मुझे खा रहा है क्योंकि इनको और कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, अगर गांव वाले सब समृद्ध होते है ना, तो इसके लिए खाद्य थोड़ा बाहर निकाल के रख देते कौओं के लिए, जैसे पक्षियों के लिए हम लोग निकालते हैं, तो मैं बच जाता था, है ना। अब लेकिन ये ऐसी कंगाली है कि भाई मैं खाद्य बन रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि एक छोटे से छोटा जीव भी जो है वो ब्रह्मदत्त को गालियाँ निकाल रहा है, और ये फीडबैक जब मिलता है तो वो जा कर के सुधार करता है। तो फीडबैक लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है, और खुद जब पर्सनली लेंगे तो थोड़ी सच्ची जानकारी मिलेगी। तो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट, बुद्ध की प्रबंधन को मैंने सीखने के लिए आपको सबसे ये फीडबैक वाला जो तरीका है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपना परिवार हो, या अपना शिक्षा क्षेत्र हो, या मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का क्षेत्र हो, है ना। तो आपके मन में जब ये भावना है कि हमें ऑप्टिमाइज करना है, अति को नहीं टच करना है, है ना, और मध्यम मार्ग पर चलना है संतुलन बनाते हुए, तब फिर आपका सचमुच में संतुलन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा फीडबैक लेंगे अपने दोस्तों से, माता पिता से, क्लासरूम में और लोगों से, है ना। तो ये फीडबैक फिर नहीं तो अपने शरीर से, अगर मान लीजिए अपने शरीर पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो शरीर से फीडबैक लेंगे। कहीं ऐसा मत कर लीजिएगा जैसा हमारे यहाँ पागल एक पीढ़ी है जो कि नशा करती है और इतना ज़्यादा कर लेती ख़त्म हो जाती है ना, दारू पी रहे इस तरह पी रहे कि लीवर डैमेज हो रहा है, यानी वहाँ भी ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फीडबैक नहीं ले रहे हैं भाई, है ना। आपको किसी ने दिया डोज और आप पूरा डोज चबा गए, है ना। तो कम से कम उस ढंग से ऑप्टिमाइज करना सीखिए, थोड़ा सा लीजिए नमक, थोड़ा सा लीजिए, देखिए क्या शरीर किस रूप से रिएक्ट कर रहा है, है ना। तो ये पद्धति है एक्सपेरिमेंटल, ये फीडबैक लीजिए। और ये हर जगह मैं समझता हूँ कि जो यूक्रेन और रूस की युद्ध हो रहे हैं ना, वहाँ अगर मुझे, मैं भगवान बुद्ध से सोच रहा था कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दो जैसा अभी रटवा साहब ने दिया है कि मैं अपनी बात बता पाऊँ, अब माने बुद्ध की बात बता पाऊँ इन लोगों को। यूक्रेन के जो हमारे ज़ेलेंस्की हैं और पुतिन साहब हैं, उनके सामने सिर्फ एक कथा बताने की ज़रूरत है, जातक कथा, और उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, जैसे भगवान बुद्ध ने रोक दिया था। ये शाक्य वंशी और कोली वंशी आपस में टकरा रहे थे, किसके लिए? रोहिणी नदी के पानी के लिए, है ना। और भगवान बुद्ध को जब ये समाचार मिला है, वहाँ जेतवन में थे, समाचार मिला है, तो ये अपने प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए ये कुणाल जातक में लिखा हुआ है, मैं इसलिए कहता हूँ प्रबंध शास्त्री का नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं लाइक ए जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, कि मैं जाऊँगा तो वहाँ उनको ये वाली कहानी सुनाऊँगा फंदन जातक, उसके बाद उनको ये वाला सुत सुनाऊँगा, उसके बाद फिर उनको भद्रसाल जातक सुनाऊँगा, ऐसे करके प्रॉपर प्लानिंग करके तब वो वहाँ पहुँचते हैं, है ना। देखिए वो लोगों को शांत करना है तो मालूम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना है, और वहाँ बकायदा स्ट्रेटजी बना करके जाते हैं और उनसे पूछते हैं, जब वो तो मरने मारने के लिए तैयार हैं, शस्त्र निकाले हुए हैं, और कहा कि ऐसा है कि भाई तुम लोग जो करने जा रहे हो ये
किसके लिए कर रहे हो, मैंने व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो बताते हैं कि भाई रोहिणी नदी का पानी ये लोग ज़्यादा ले रहे हो, कर रहे हो, वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो तुम लोग जो युद्ध करोगे इससे क्या होगा, तो होगा यही कि कुछ उधर के लोग मरेंगे, कुछ उधर के लोग मरेंगे, मारकाट होगी, तो मारकाट होगी तो क्या निकलेगा उसमें से, तो कहे कि खून निकलेगा, उनका भी खून निकलेगा, हमारा भी खून निकलेगा। अच्छा तो खून महंगा होता है कि पानी महंगा होता है, तो कहे कि भाई तो पानी इससे ज़्यादा खून बहुत महंगा होता है। तो बोले फिर एक नगण्य सी चीज़ है, एक तुच्छ सी चीज़ है, उसके लिए तुम लोग इतना महंगा खून बहा रहे हो, कुछ बात समझ में यानी कोई लॉजिक नहीं है इसका। तब दोनों फिर शांत होते हैं, अपना शस्त्र रखते हैं और उसके बाद ये अगली कहानी फंदनजा तक सुना देते हैं। तो आप लोगों को सुना दूं क्या फंदनजा तक है कैसे दोनों को, तो यही कहानी अगर उसको सुना दी जाएगी जेलेंस्की और उसको, तो वो हो जाएंगे नीचे, है ना। क्या है कि अति पे चले गए हैं, है ना, अति पे चले गए हुए हैं और पूरा विश्व जो है झोंक दिए हैं उसमें, है ना। और फंदन जातक की कहानी ऐसे आती है कि एक वन प्रांतर है, वन खंड है, वहाँ पर एक व्याघ्र है, वो उस पेड़ के नीचे चला जाता है जिसके नीचे बहुत गंदगी होती है, दूसरे जानवर जो सियार व्यार हैं वो हड्डियाँ वड्डियाँ फेंके रहते हैं, और वहाँ वो थोड़ी देर के लिए लेट जाता है, और संयोग की बात है कि ऊपर से एक टहनी टूट के गिर जाती है उसके ऊपर, और वो चौंक के उठता है और कहता है कि भाई ये जो फंदन वृक्ष होता है एक, भाई तुमने मुझे मतलब मार दिया मेरे कंधे पर, मतलब मैं इसलिए कि 10 मिनट रेस्ट कर रहा हूँ और तू ऊपर से कर, यहाँ पर जानवर आकर के क्या 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 दूसरे करते रहते हैं लोग, अनर्थ है ना, यहाँ गंदगी फैलाए हुए, उनको तो तुम कुछ नहीं बोलते हो, और मैं यहाँ पर 10 मिनट के लेटा हुआ तुम मतलब ये सब शुरू कर दिए। अब देखिए, अब वहाँ पर वो फंदन क्या कहे वृक्ष बेचारा, लेकिन ये जो है ये गुस्से का मारा आगे निकलता है, तब तक एक जो है वो जो कहते हैं बढ़ई जो उस उन दिनों बैलगाड़ी के चक्के बनाता था उसके लिए लकड़ी ढूंढ रहा था, है ना, लकड़ी ढूंढ रहा था, तो उसको व्याघ्र कहता है लकड़ी बढ़िया चाहिए ना, हाँ ये जो वृक्ष है ना फंदन बहुत बढ़िया लकड़ी है, बहुत अच्छा चक्का बनता है, ना तो उधर डायरेक्ट कर देता है। अब फंदन के पास से लकड़ी आ जाता है प्रहार लड़ाई करने, तो फंदन कहता है कि तुम तो मैं समझ गया हो तुम लकड़ी वाले चक्का बनाओगे, लेकिन उस पर अगर वो व्याघ्र का अगर चमड़ा चढ़ा दोगे ना तो उसकी लॉन्जिविटी बहुत बढ़ जाएगी। फंदन का ये तो मेरे को तो कट नहीं है, अब जरा इसको भी तो कहा कि वो व्याघ्र की कहाँ से मिलेगी, अभी तो गया तुम्हारे सामने ही तो गया, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अब वो तो कहा उसको मैं कैसे, कुछ नहीं बोलना, कहाँ से काटें लकड़ी थोड़ा आके बता दो, फंदन वो वृक्ष को कहाँ से काटना है थोड़ा आके बता दो, तो आएगा उस समय तुम हमारा काम कर लेना अपना। तो वही हुआ है ना, मैंने बात क्या है गलत फहमी, और उसमें गए दोनों भाई, तो इसी तरह की चीज़ जो है वो हो रही है, और वहाँ दोनों भाइयों के साथ साथ बहुत से देश इसी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। आप देखिए रे क्या कंडीशन हो गई है, तो चाइना ताइवान है ना लगभग तुम आकर के उस सीमा में युद्ध अभ्यास कर रहे हो, और हम लोग भी बहुत से संयुक्त अभ्यास करते हैं ना, मैत्री हो रही है स्थापित। देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि संयुक्त युद्धाभ्यास से हम मैत्री स्थापित कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हो भाई, तो युद्ध करने जा रहे हैं, है ना। अब उस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं तो आप समझ ही सकते हो, कॉरपोरेट हाउस शायद किसी को अपना वेपन्स बेचने हैं, अपने शस्त्र बेचने हैं, तो वो सारी अपनी तामझाम राजनीति जो है चलाए हुए है। तो खैर अर्धविकसित देश या तो अविकसित देश हमारी तरह इसी चंगल में फंसते रहेंगे, ये मॉडर्न मैनेजमेंट जो कर रहे हैं है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में, तो ये सारी विसंगतियाँ जो हैं उसी का उपहार स्वरूप हम लोग को मिल रही है ना। हम अपनी भारतीय विद्या को जल्दी से जल्दी पहुँचा दें, अगर हम
बचना चाहते हैं और उनको भी विश्व को बचाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सबकी ये जिम्मेवारी है, आप मेरे से सहमत होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा समय का अतिक्रमण मैं नहीं कर रहा तो कहानियाँ तो 547 हैं और वो बुद्ध की कृपा से मुझे दे दिया हुआ है, दम कथिक बना के भेज दिया हो कि जाके मेरी कहानियों को मॉडर्न तरीके से समझा दो। पुस्तक मैं एक रख के गया हूँ, बाकी 6-7 पुस्तकें हैं वो भी भेज दूंगा सर, है ना। अभी साथ में जो लाया हूँ वो आपकी लाइब्रेरी को भेंट करता जा रहा हूँ। आप में से कुछ पाठक तैयार होंगे, उन कहानियों से लाभ लेंगे तो अच्छी बात होगी। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।